इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कहर कोरोना का अब थोड़ा थमता नजर आ रहा है। वैसे तो हर बात के मियार को मीडिया कैसे पेश करती है इससे नापा जाता है। जाहिर है अब एक हाथ खबर कोरोना पर दिखाई जा रही है मरता क्या ना करता की तरह। अगर आप कसीर तादाद में पॉजिटिव मरीज पाए भी जाते हैं तो हुकूमत रुकने वाली नहीं है। लॉकडाउन के बारे में तो दूर दूर तक भी सोचा नहीं जाएगा क्योंकि भारत की मईशत अब तक की सबसे निचली सतह पर पहुंच चुकी है। लिहाजा जो जैसे भी जीना चाहता है जिए के मिस्तक। अनलॉक 4 के तहत तमाम पाबंदियां हटाई जा रही है। अब सवाल यही उठता है कि कुछ ही मरीज पॉजिटिव पाए जाने से पूरे गांव को सिर्फ लॉकडाउन नहीं बल्कि सील डाउन किया जाता था, तो अब हजारों मरीज हर रोज पॉजिटिव पाए जा रहे तो फिर अनलॉक क्यों? अब इसका जवाब हुकूमत ही दे सकती है। इतना तो जरूर है कि जल्दबाजी में किसी तरह बिना सोचे समझे लॉकडाउन का फैसला लिया गया था जिसके नतीजे शायद आने वाले कई महीनों तक भुगतने पड़ेंगे। खैर अब इल्मी सकाफती खेल सियासी और दिगर इजलासों की भी इजाजत दी जा रही है जिसमें शरीक होने वालों की तादाद पर लेकिन पाबंदी हो सकती है। यहाँ तक के फिल्मी थिएटर और बैरूनी हवाई जहाजों को भी इजाजत देने के बारे में हुकूमत सोच रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो बार बार कही जाती है पर कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते लोगों को नहीं देखा जा रहा। पर मस्जिदों में बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज भी नमाज पढ़ी जाती है, भले बाजारों में किसी तरह से घूमते फिरते रहे। कुल मिलाकर कोरोना का डर लोगों के दिलों से निकल चुका है ऐसा भी समझा जा सकता है। कईयों ने तो कोरोना खत्म होने तक की बात कही, अब तक वैक्सीन का भी पता नहीं। पॉजिटिव मरीज भी अपने आप ठीक हो रहे हैं। वैसे बेलगाम शहर में आज फिर 400 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए तो 700 डिस्चार्ज भी किए। बेलगाम शहर में आज भी पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं, वहीं मौतों के आंकड़े भी अब भी कम होते दिखाई नहीं दे रहे। सपरगली शाहपुर में एक बुजुर्ग का इंतकाल कोरोना से हुआ तो किसी भी खानदान के शख्स ने करीब आना मुनासिब नहीं समझा, लिहाजा आखिरकार मुस्लिम नौजवानों ने उस हिंदू बुजुर्ग के शख्स के अंतिम संस्कार के फराइज को अंजाम दिया। एक उम्र रसीदा शख्स के लिए जब कोई भी कोरोना की वजह से करीब नहीं आ रहे थे तो मुस्लिम नौजवान जो अंजुमन इस्लाम और पॉपुलर फ्रंट से ताल्लुक रखते हैं पेश आकर बुजुर्ग शख्स के आखिरी रसूमात को हिंदू रस्म रिवाज के साथ मुकम्मल किए। टीम में खासकर समीर नाइक, मुदस्सर, सुबानी संधि और वसीम पटेल शरीक थे। इनके इस खिदमात पर माशरे के तमाम तबकों में सराहा जा रहा। खासकर यह पैगाम इस वक्त मुल्क के लिए भी जरूरी है और इसका असर यकीनन होगा कि नफरत का जहर कभी माशरे की फला बहबूदी या तरक्की के लिए कारगर नहीं हो सकती। मुल्क की तारीख यही रही है कि हम हिंदू मुसलमान मिलकर जीना और मरना सीखे हैं और यही इस मुल्क की पहचान। शिवाजी महाराज और संगोली रायन्ना तनाजा वक्ती तौर पर तो थमा हुआ है पर कशीदगी आज भी जारी है। मराठी कन्नड़ लोगों को बुलाकर सुलह कामयाब तो नजर आई पर कुछ लोग आज भी इस चौक का नाम संगोली रायन्ना रखने की मांग कर रहे हैं। एडीजीपी अमर कुमार पांडे, डीसीएमजी हिरेमठ और दिगर जिम्मेदारान ने चौक का नाम शिवाजी महाराज ही रहे कहा। वही दूसरी ओर मराठी लोगों की जानिब से शिवाजी महाराज पर तौहीन आमोज पोस्ट को लेकर एहतजाज किया और शिवाजी महाराज की तौहीन करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। वजह रहे कि कर्नाटक नमदू पेज पर शिवाजी महाराज की तौहीन आमोज पोस्ट की हुई है। एहतजाज के बाद एडीजीपी अमर कुमार पांडे, डीसीएमजी हिरेमठ ने शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार करने का भरोसा भी दिलाया। कई मराठी लोगों ने पुलिस इंतजामिया और जिले वजीर रमेश जारकीहोली के रवैये पर नाराजगी का भी इजहार करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर बिठाए गए संगोली रायन्ना के पुतले को फूलमालाएं चढ़ाकर शिवाजी महाराज के पुतले पर भी फूलमालाएं चढ़ाना हुकूमत का दोगलापन है, लिहाजा जख्म पर नमक छिड़कने का काम करते हुए एक तरफ मराठी कन्नड़ तफरका कायम किया गया है। मराठी अखबारों में भी इस पर काफी कर्नाटक के हुकूमत की पनाह में कन्नड़ लोग अपनी दादागिरी कायम कर रहे हैं ऐसा इनका कहना है। इनका यह भी इल्जाम रहा कि मराठियों पर हर साल मुकदमे दर्ज किए जाते हैं पर इन्हें वापस नहीं लिया जाता पर कन्नड़ियों के मुकदमे हुकूमत वापस लेती है। पुतले की वजह से शहर के माहौल में तनाव जरूर पैदा हुआ है। बेलगाम अंजुमन की तर्ज पर निपानी में भी एकता फाउंडेशन की जानिब से
जनता क्लिनिक का एहतमाम किया गया। वाजा रहे कि कई दिनों तक निपानी शहर में अस्पताल क्लिनिक बंद रहे। इसी के मद्देनजर कुछ नौजवानों ने क्लिनिक की अहमियत को जानते हुए और निजी अस्पतालों में बेहिसाब बिल की रकम हासिल करते देख इस क्लिनिक का कयाम अमल में लाया गया। हर रोज कई मरीज इसका फायदा उठा रहे हैं। जनता क्लिनिक का मकसद यही है कि किसी भी मजहब जात पात भाषा तफरका ना करते हुए सभी के खिदमत को यहाँ अंजाम दिया जा रहा है। ये कोरोना के दौर में एक खास बात गौर करने की रही, जितना फिरका परस्त दो धर्म जात पात में नफरत की लकीर खींचना चाहते हैं उतना ही वो करीब आते नजर आ रहे हैं। एकता फाउंडेशन के मेहनतुल मुल्ला ने इत्तेहाद न्यूज को बताया कि कोरोना से मौत होने के बाद कोई भी मैयत के करीब नहीं जा रहा था, लिहाजा अब तक तकरीबन 13 मैयतों का हिंदू रस्म रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुस्लिम नौजवानों के इस इकदाम पर सभी ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि एकता फाउंडेशन ने वाकई इत्तेहाद का सबूत देते हुए सभी मजहब वालों के आखिरी रसूमात को अंजाम दिया जा रहा। एकता फाउंडेशन की जानिब से एक मुस्लिम और 13 हिंदुओं का अंतिम संस्कार किया गया। अंजुमन की तर्ज पर ऑक्सीजन की तकसीम में निपानी शहर और अतराफ में मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से मरीजों का इलाज एकता फाउंडेशन जनता क्लिनिक में किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। निपानी के अंदर हिंदू और मुस्लिम मिलकर एकता फाउंडेशन की शुरुआत करने के लिए एक इरादा किया कि एकता फाउंडेशन इस नाम से हमने ये एक फाउंडेशन तैयार किया, जिसके माध्यम से हम गरीब लोगों के लिए उनको जो जो परेशानियां है उसका हल निकाल सके। फ्री एम्बुलेंस की सर्विस शुरू करने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे पेशेंट को हम उनके घर से हॉस्पिटल तक उस स्टेज पे लेके जा सके जहाँ पे उनका इलाज होने के साथ जल्द से जल्द उनको इलाज मिल सके और वो खतरे से बाहर हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो सभी लोगों के मेहनत से शुरू हुआ। उसके बाद अंजुमन बेलगाम हमारे समीउल्लाह भाई मड़ीवाल, ये जो आपके अंजुमन के एक मेंबर है या सेक्रेटरी है शायद, तो उन्होंने हमें ये बात बताई कि ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है पेशेंट को इनिशियल स्टेज पर, और वो नहीं मिलने के बाद पेशेंट की हालात जो है बदतर होती है। तो इस सूरत में उन्होंने अंजुमन के तरफ से 10 सिलेंडर की ऑक्सीजन सिलेंडर की जो है हमारे लिए ये करके दिए। हम लोगों ने ये सब करने से ज़्यादा सबसे आपने जैसे बताया सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि मरने के पेशेंट जब उसकी मौत हो जाती है चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो तो उनके घर वाले अंतिम संस्कार में दहन करने के लिए या दफन करने के लिए दोनों चीज़ों के लिए उनके घर वाले ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से कोई नहीं आ रहा, और वो जितना माशाल्लाह बेलगाम के अंदर वो जितना काम सही तरीके से होता है निपानी के अंदर वो एक भी जगह पे नहीं हुआ। तो हमारे एकता फाउंडेशन के बहुत सारे लोगों ने कहा, हमने आपके समीउल्लाह भाई से भी इस बात बारे में ये किया था मशवरा किया था, तो उन्होंने कहा कि ये पीपीई किट और ये सब चीज़ों का मद्देनजर रखते हुए अगर आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह। तब हमारे जुबैर भाई भगवान ने उनके साथ रहने वाले चंद लोगों को एकता फाउंडेशन के अंदर शामिल करके लिया, जिसमें खासकर नावेद देसाई है और सरफराज है, बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्चुअल फील्ड पर ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत आगे हैं। तब जब वो हमारे जहाँ पे दफन करने के लिए उन लोगों ने जो ये दिखाया है, जो उन लोगों ने किसी चीज़ को न डरते हुए वो दफन करने के लिए वो सब लोग आगे आए, उस वक्त हमने ये फैसला लिया कि सिर्फ दफन ही नहीं बल्कि अगर मुस्लिम छोड़ के भी कोई समाज का अगर होता है तो उस चीज़ के लिए हम लोग सब जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये चीज़ करने के बाद ये सब मैंने जो नाम लिए अभी उन लोगों ने मिलकर यह तय किया कि उनको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो हम लोग मुहैया कराएंगे, और जो भी पीपीई किट रहने दो बाकी के चीज़ें रहने दो उन चीज़ों को ये लोगों को देने के साथ पिछले 8 दिन के अंदर एकता फाउंडेशन की तरफ से 13 लोगों का दहन निपानी के अंदर दिया है, और सिर्फ एक मुस्लिम जो है वो दफन हुआ है, बाकी जो भी जितने भी गैर मुस्लिम है वो 13 आज तक दहन किए गए हैं निपानी के अंदर, और वो करने वाले एकता फाउंडेशन के जितने भी ये है हमारे जो सदस्य है उनका पहले मैं उन लोगों का काम इतना सराहना करना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि ये चीज़ में बाप का अगर
इंतकाल होता है तो बेटा धन देने के लिए आने के लिए थोड़ा आगे पीछे कर रहा है, ऐसे हालात भी हमारे सामने पेश आए। यानी जी सेवा देता है ती एक नंबर सेवा है आणि हा स्टाफ सुद्धा एक नंबर आहे। तरी त्यांचं कोऑपरेशन, त्यांचे जे बाकीच्या गोष्टी सगळ्या, सब स्टाफ सगळा चांगला आहे आणि त्यांचे उपचारसुद्धा वैद्यकीय चांगले आहेत आता। त्यामुळं आत्ताच्या काळात, कोरोनाच्या काळात आता पेशंटला जी आवश्यकता आहे ती सेवा ही नाही आता बजावत आहे। अहोरात्र त्यांचं काम चालू आहे आणि ते पेशंटसाठी एक नंबरचं काम आहे, उत्तम आहे। त्यामुळे यांचं आभार मानणं हे फार मोठं आहे। आपलं नाव? माझं अनिल माने।